मैं आज तक तोता ने आपसे कुछ नहीं मांगा। अरे तोता मतलब हम ही हैं। आप कोई चिड़िया पंछी मत समझ लेना। ये बात तो रहस्य ही है कि हमारी अम्मा ने हमारा नाम तोता क्यों रखा। आप ही बताइए, क्या हमारी नाक तोते जैसी है? नहीं है ना। मिर्ची तीखा कुछ नहीं खाते हम, फिर भी तोता। आज हमारा जन्मदिन है, इस साल कुछ भी करके हमें सीए बना दो। एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए उसके बाद तो जिंदगी सेट है। उतरी अम्मा कहती है कि आंख बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए, और हम तो आंख खोल के ही बके जा रहे हैं। लेकिन आप तो प्रभु हैं, आप हमारी आंख बंद समझ कर ही हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेना। जय हो। क्या हुआ बच्चों, उतरो, छोड़ो, क्या हुआ? तोता भैया, हमारा बॉल बाउंड्री के उस पार चला गया। अच्छा, तो हम ले आते हैं, ये पकड़ो प्रसाद। तोता भैया, वहाँ कुत्ता है। कुत्ता? हाँ। कुत्ता ही तो है, शेर थोड़े ना है। हम लेके आते हैं। तोता भैया, हम लोग थोड़ा प्रसाद खा ले। हाँ हाँ खा लो। मोती, छू, छू, छू। प्रसाद कहाँ है? वो तो हम खा गए। अरे अरे देवरानी, थोड़े से पापड़ भुनवा लेना, और देवर भगवती के यहाँ से मिठाई मंगा लेना कुल्लड़ से बोल के। अरे कोई सुन रहा है या नहीं? अरे अम्मा डरो नहीं, हम है तोता। तोता तुम इका बहरूपियों जैसी दुर्गति किए घूम रहे हो हैं? अरे अम्मा कुछ बच्चों की मदद करने गए थे, उसी का मीठा फल है ये। लल्ला तुम भी ना। अम्मा आप भी ना। अरे अम्मा आज हमारा जन्मदिन है, आज हमें गठरी भर के आशीर्वाद दे दो। लल्ला
खूब बड़े हो जाओ तुम। अरे और कितना बड़े होंगे हम, एक तो हमारे घर की चौखट इतनी सी है, आते जाते सर टकराएगा हमारा। शादी हो जाए तुम्हारी। अम्मा ये कैसा आशीर्वाद है। लल्ला तुम जो पढ़ाई कर रहे हो ना उसमें पास हो जाओ, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं हम? लल्ला परेशान नहीं करो। अरे अम्मा बोलो ना। नहीं लल्ला। अरे अम्मा कोई नाम तो होगा। लल्ला परेशान नहीं करो। हाँ अरे अम्मा बोलो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अम्मा बोलिए ना हमारी खातिर। नहीं। अरे बोलो ना प्लीज। अरे बोलो ना एक बार प्लीज अम्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। लल्ला नहाए का ही नहीं हो अभी तक। देवरानी लल्ला के लिए पानी गर्म कर दो। सजना है हमें सजना। जी दाल चढ़ा दो। जी चटानी जी। हाय गजब कितने सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू। अरे हटिए ना, बार बार हमारे और कांच के बीच में आ जाते हैं। सॉरी। अच्छा रेडियो के पापा ये बताइए, आज हमारे भतीजे तोता बाबू का जन्मदिन है। हाँ तो क्या सरप्राइज दोगे? अरे वीडियो की अम्मा, अगर सरप्राइज तिवारी ने बता के सरप्राइज दिया तो फिर क्या दिया? सरप्राइज सरप्राइज। अरे नहीं, हम लंगूर बंदर नहीं है, हम है तोता। तोता ऐसा नहीं होता, अगर हमारा नाम सरप्राइज तिवारी तो तुम्हारा नाम तो हार्ट अटैक तिवारी होना चाहिए यार, डरा दिया। आज हमारा जन्मदिन है ना, आशीर्वाद दीजिए। नहा क्या हो फिर आशीर्वाद लेना। अरे लल्ला नहाने कहीं नहीं जा रहे हो, जाओ। बस आशीर्वाद लेने आए थे। देवरानी ये लो प्रसाद। दाल नहीं चढ़ाई? दाल नहीं चढ़ाई अभी तक। बस चढ़ाई रहे। और भगवती हलवाई के यहाँ से 2 लीटर दूध मंगा देना, खीर बना लेते हैं। हाय गजन खीर। ए सुनो खीर भी बना लेना। सरप्राइज। थैंक यू बच्चों, थैंक यू रेडियो, थैंक यू वीडियो। आज हमारा हैप्पी बर्थडे, बोलो आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं तोता भैया। कुछ नहीं? अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं, कुछ तो चाहिए। तोता भैया आप रहने दो। क्यों रहने दो? आप जाओ, छोड़ो ना, आप नहीं दे पाओगे। ऐसी क्या चीज है जो हम नहीं दे पाएंगे, बोलो। केक। अरे क्या हुआ चाची जी? कुछ नहीं, केक सुन के चक्कर से आ गया था। बेटा हमारे यहाँ जन्मदिन वाले दिन पूजा पाठ होती है और मिठाई में लड्डू बटते हैं, पर हाय गजब केक नहीं कटते हैं। लेकिन मम्मा मेरी फ्रेंड राशि के बर्थडे में जो केक कटा था। और हमारी स्कूल की सारी फ्रेंड्स अपने बर्थडे पर केक काटती हैं। केक। अम्मा लल्ला हमारी तरफ ऐसे नहीं देखो, अपने पापा जी से पूछ लो। हमने तो पिछली बार भी कहा था उनसे कि ले आओ केक, तो कहने लगे कि केक में अंडा होता है। फूफा जी बुरा मान गए तो? मान गए तो मतलब, अरे बाकायदा मान गए थे। पिछली बार नहीं गए थे 15 दिन के लिए नाराज होके पयागपुर, जब हमने अपने नॉवेल्टी स्टोर में केक बेचने का आइडिया भी दिया था तो? लेकिन फूफा जी तो है ही नहीं। हाँ पर भैया तो हैं। इसका मतलब अगर पापा जी को मना लेंगे तो आधी जंग तो जीत गए समझो। हाँ पर लल्ला बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? भैया लगता है हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी। ऑल द वे।
थैंक यू। आई नीड कंसंट्रेशन। पंद्रह दिन अगर कंसंट्रेट कर ले तो आईपीएस निकाल ले, और 20 दिन अगर फोकस कर ले तो आईएएस निकाल ले। तो बताओ माय डियर बटरफ्लाई, आपको किस गाड़ी में बैठना है, इस या इस? आप तो जिस गाड़ी में भी बिठाएंगे ना माय डियर जी, हम बैठ जाएंगे। आप तो बस ये बादाम खाइए, इससे आपका आईएएस लेवल वाला दिमाग जो है ना और भी तेज चलने लगेगा। अरे साले साहब, कम हियर। कम कम। हैप्पी बर्थडे साले साहब। थैंक यू। ओह तोता भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। सो टेल मी साले साहब, व्हाट डू यू वांट एज योर बर्थडे गिफ्ट? नहीं नहीं रहने दीजिए। अरे टेल 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 टेल। नहीं रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा, कह रहे हैं ना। अरे हो जाएगा बताओ तो। जीजा जी अगर परमिशन मिल जाती तो। किस बात का परमिशन? केक कटवाने का। रहने दीजिए, हमने कहा था आपसे नहीं होगा। तोता भैया, ऐसे कैसे नहीं होगा? आईएएस की तैयारी कर रहे हैं आपके जीजा जी। माय डियर जी, पापा से बोल के परमिशन दिलवा दीजिए ना केक काटने की, आपके लिए तो छोटी सी बात है ना। वैसे तो ये आईएएस लेवल का काम है नहीं, फिर भी रिलेशनशिप भी कोई चीज होती है। बालक काल बस बोलत तो ही न समार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदता सकल मुनिवर। जीजा जी क्या हुआ? आई थिंक दैट इज नॉट द राइट टाइम फॉर परमिशन। अरे आपके राइट टाइम के चक्कर में हमारा बर्थडे निकले जा रहा है। वैसे भी आईएएस लेवल के जीजा से म्यूनिसिपैलिटी लेवल का काम बोलते आपको शर्म नहीं आती है? जीजा जी इन बच्चों को आप समझाओ। अजी आपकी आईएएस मार का चाय। अरे कुछ कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, कुछ कर। एक्सक्यूज मी साले साहब। जी जी इनको एक्सक्यूज मी। लगता है धनुष हमें ही तोड़ना पड़ेगा। आम हमारे क्रोध से भयभीत होकर तुम्हारा भाई हमारे चरणों में गिर पड़ा है। तिवारी जी, जो आपके चरणों में पड़ा है ना, वो मेरा भाई लक्ष्मण नहीं बल्कि आपका बेटा तोता है। तो देखिए। अम्मे तोता। अब बोलो बोलो बोलो। आज हमारा जन्मदिन है, क्या चाहिए आशीर्वाद बताओ जी? एक तो कि हम बहुत बड़े सीए बन जाएं, और दूसरा। अरे बेटा फक्र से अपना सर ऊपर करो और मांगो अपने पिता इस परशुराम से। मांगो बेटा जो मांगना है, आज तुमको ये परशुराम देगा। पापा हाँ। केक काटने की परमिशन मिल जाए तो। अरे बेटा नहीं, हमें धर्म संकट में ना डालो। हाँ। लेकिन आपने आपने वचन दिया कि आप ना नहीं कहेंगे। यार देखो हमें पर्सनली कोई केक से प्रॉब्लम नहीं है, और भगवान का भोग लगता है ना, और केक में पड़ा होता अंडा ये। हाँ तिवारी जी अब तो बिना अंडे वाला केक भी आने लगा है। हाँ। अच्छा काट लेने दीजिए केक। हाँ। हाँ। केक, 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 अच्छा। अरे तुम लोग क्यों भूल रहे हो, ये हमारे पिता स्वर्गीय श्री परमेश्वर तिवारी और आदरणीय श्री बड़बोले ओझा उर्फ फूफा जी, इन दोनों की परंपरा के खिलाफ है तिवारी सदन में केक काटना। लेकिन पापा पुरानी परंपरा टूटेगी नहीं तो नई परंपरा कैसे बनेगी? हाँ, हाँ। सकरोरा मोहल्ले में सबके यहाँ केक आता है,
तो फिर तिवारी सदन में केक काटना पहाड़ काटने जैसा क्यों है? क्यों 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 ठीक है, सुनो 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 तोता जी, हैप्पी जी बर्थडे टू यू। बाबा जी आए हैं बहुत अच्छे। प्रणाम बाबा। अरे भगवती अंकल, जल्दी से एक बिना अंडे का केक बना दीजिए। केक? और कुल्हड़ केक लेके हमारे घर पहुंचा देना। केक? तुम्हारे घर? आज हमारा जन्मदिन है। ओ अरे जीतेरा बेटा, जीतेरा। इसी बात को बाबा जी 50-60 शेर सुन लीजिए हमसे, है ना? हम सुन गए। एक कुल्हड़ मलिहाबादी, तुम अपने शेर को रहने दो चिड़ियाघर में, और खुद भी 2-4 दिन के लिए वहां हो आओ। तो तब बेटा बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद लो, सिद्ध पुरुष बेटा, जो बोला वो हो गया। हमें आशीर्वाद दीजिए बाबा। बाबा ये हमारा दोस्त तोता है, अब पिछले 4 साल से ना वो सीए के लिए ट्राई कर रहा है, तेरा बताइए तो कब निकलेगा सीए? सीए सीए तो निकलेगा, मगर उसके पहले इसकी बारात निकलेगी। बाबा गाय हमारी जान निकाल रहे हैं, आप खुद तो दूध पी रहे हैं और हमारा खून घटा रहे हैं। वो आएगी, अवश्य आएगी, तुम्हें उंगलियों पे नचाएगी लट्टू की तरह। हम देख रहे हैं, तुम भी देखो बच्चा। तुम्हारी होने वाली पत्नी है, तुम तो देखो यार। तेरा, ये सबसे बड़ा तेरा। अब मजे से हम यहाँ ये चोरी के अमरूद खाएंगे और हमें यहाँ कोई पकड़ भी नहीं सकता। जित दीदी जी, बच्चा राम आ गया, मजा आ जाएगा अब तो। जित दीदी जी, तो आप थक गई हैं? अरे आज तो बच्चा हम तुम्हें क्या बताएं, हम आज इतना दौड़े हैं, इतना भागे हैं, और 2 बार तो हम फिसल कर गिर भी गए, कोहनी में लग गई। अच्छा तो आप आराम फरमा रही हैं? हम क्या सोच रहे हैं, यही चटाई पे लौकी के नीचे आज 2 घंटा यही सुस्ता ले, फिर शाम को मोहन चरवाता है ना अपनी भैंसिया, उसकी भैंसिया से दूध चुरा कर वही दूध पी के फिर सब मिल के जाएंगे घर। जी दीदी जी, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन दीदी जी मेरे पास भी एक ऐसे न्यूज है जिसे सुन के आप 10 फुट ऊपर उछल जाओगी। क्या बोला? न्यूज? फिर तो हम
सब सुनेंगे। हाँ, सच्ची हमारा ब्याह आय हाय, यानी कि हल्दी भी लगेगी। हाँ। और अब वो फेरे भी होंगे। हाँ। और फिर हम घोड़ी पे भी बैठ चढ़ेंगे ना। दिन नहीं दीदी जी। क्यों रे? क्योंकि आप प्लेन से विदेश जाओगी ना। फिर उसी विदेशी कबूतर का रिश्ता आ गया ना हमारे लिए। जी दीदी जी, हम नहीं करेंगे। बुआ जी, आय हाय, तू चुप कर। देख मैना, यहाँ कटरा के लड़के बहुत ही निकम्मे और निठल्ले हैं, और शादी ब्याह बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। देख, हमारे हिसाब से तो ये लड़का तुम्हारे एकदम ठीक है। हाँ, अगर जिम्मेदारी का दूसरा नाम शादी है ना, तो आपका दूसरा नाम हिटलर है बुआ जी। आय हाय, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे ना कहीं। आय हाय, बताओ ऐसा होता है का? देखो, होगा तो वही जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, और हमारे हिसाब से यही लड़का तुम्हारे भाग्य में है। हाँ। कहाँ लिखा है? आय हाय, I'm not.